अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को। तो क्या हाल चाल हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी फ़ोटोज़ को MB से KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही शानदार ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी पिक्चर को, अगर वो 10 MB की पिक्चर है या उससे ज़्यादा है या कम है, तो आप उसको KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी MB को कम कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आपने सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है इमेज कंप्रेसर लाइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर इमेज कंप्रेसर लाइट लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास ये टॉप पर ऐप आ जाएगा। आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, इसके आइकन को अच्छी तरह देख लें। आपने इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने इस ऐप को ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्लस के पर क्लिक करना है तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि इस पिक्चर का जो साइज है ये 1.57 MB का है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। मैं गैलरी में जाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि इस इमेज का कितना साइज है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो साइज है ये 1.57 MB का है। हम इसको कंप्रेस करेंगे, हम इसको KB में कन्वर्ट करेंगे और इसके साइज को कम करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन नजर आएगा इंटर द साइज, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको KB और MB का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हम पिक्चर्स को KB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं ताकि इस पिक्चर का साइज कम हो जाए और हमारे मोबाइल की जो स्टोरेज है वो थोड़ी ज्यादा फ्री हो जाए। इसके लिए आपने यहाँ पर नीचे कंप्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये 2 से 3 सेकंड की लोडिंग लेगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमारी पिक्चर को कंप्रेस कर दिया है, इसने हमारी पिक्चर को MB से KB में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इस इमेज का जो साइज है वो 1.57 MB का है, लेकिन जैसे ही हमने इस ऐप को यूज किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाद में 0.23 KB में इसने पिक्चर को कन्वर्ट करके कंप्रेस करके हमको दे दिया। हम यहाँ पर फाइल में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस 1.57 MB वाली पिक्चर को जो अब साइज है वो 232 KB हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस इमेज का जो साइज है वो 232 KB में हो चुका है, जबकि इसका जो पहले साइज था वो 1.57 MB का था। तो इस ऐप को यूज करके आप अपनी किसी भी इमेज के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको KB में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल की स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी इमेजेस को आप MB से KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।